आप लोग एक बार अपना लोगो बना के आप लोग चाहे जितनी भी फोटोज़ में आप लोग इसको लगा सकते हो, और आप लोग देख सकते हो इसको चाहे हम लोग जहाँ भी लगाएं यहाँ पे हमारा फोटोज़ कितनी प्रोफेशनल तरीके से लग रही है। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में चले जाना है और आप लोगों को क्या करना है, ये वाला ऐप पिक्सआर्ट ऐप आप लोगों को ओपन करने लगा। पिक्सआर्ट ऐप आप लोग ज़्यादातर जानते ही होंगे, पिक्सआर्ट सब लोग ज़्यादातर जानते हैं। तो पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद आप लोग नीचे यहाँ पे देख सकते हो प्लस का आइकन बना होगा, वहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। और आप लोगों को इसके बाद जाना है एडिट ए फोटो पे, वहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। और अब आप लोगों को ये बैकग्राउंड वाला ऑप्शन है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को व्हाइट वाला, ये वाला आप लोगों को व्हाइट वाला पेपर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोगों को ब्लैक ब्लैक लोगो अपना बनाना है तो आप लोग व्हाइट वाला पेपर सेलेक्ट करोगे, और अगर आप लोगों को व्हाइट लोगो बनाना है अपना तो आप लोग जो है ब्लैक वाला सेलेक्ट करोगे। तो हमें जो है ब्लैक वाला बनाना है, तो ब्लैक वाला के लिए आप लोगों को पीछे बैकग्राउंड में व्हाइट पेपर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ व्हाइट सेलेक्ट पेपर सेलेक्ट करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से जाना है आप लोगों को ऐड ए फोटो पे। ऐड ए फोटो पे जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से ये वाला लोगो सेलेक्ट कर लेना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोगो हमको कहाँ से मिलेगा, तो चलिए दोस्तों यही बता देता हूँ आप लोगों को ये लोगो कहाँ से मिलेगा। तो आप लोगों को चले जाना है सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे, यहाँ से आप लोग अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों को सर्च पे सर्च में लिख देना है विजय विजय मेहर एडिटिंग लोगो। आप लोगों को ये चीज़ देख लेना है, यही चीज़ आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र पे अपने लिख देना है और उसको सर्च कर देना है। यहाँ से आप लोगों को इमेज पे जाना है, इमेज में जाने के बाद आप लोगों को ये पहला वाला सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप लोगों को इसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहीं से आप लोगों को डाउनलोड करके फिर हम लोग अपने पिक्सआर्ट पे चले जाएंगे। तो यहाँ आप लोगों को इसको ले आना है और इसको आप लोगों को साइज़ इसको आप लोगों को इतना ही रखना है। और यहाँ पे साइज रखने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से हम लोगों को अपना नेम लिखना है। बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊँगा आप लोगों को, बस क्या करना है वीडियो को पूरी देखना है, स्किप नहीं करना है, वरना आप लोगों को वीडियो को समझ नहीं पाओगे। तो आप लोगों को इतना करने के बाद अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से हम लोगों को अपना नाम लिखना है। तो हम लोगों को टेक्स्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है। अब जैसे मेरा नाम है सौरभ एडिट्स, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख के आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसे आप लोगों को सारा कैपिटल लेटर में लिखना है तो यहाँ पे लिख लेता हूँ एस, और आप लोगों को क्या करना है, एक नाम के आगे आप लोगों को एक बार स्पेस लगा देना है। तो एस ए यू, यहाँ से आप लोग अपना जल्दी से यहाँ नाम लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे अपना नाम लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ से ओके कर देना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने अपना नाम, अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि नीचे आ रहा होगा, तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो साइड में बना है इसको पकड़ के आप लोगों को खींच लेना है, तो ये हम लोगों का ऊपर आ जाएगा। तो इसको आप लोगों को थोड़ा अपना छोटा कर लेना है, नाम अपने लोगों के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको हम लोगों को जो है लोगों को आप लोगों को फंड देना है, टेक्स्ट फंड। तो आप लोग नीचे देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी टेक्स्ट फंड आ जाएंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे टेक्स्ट फंड जो आप लोगों को पसंद हो आप लोग वहाँ से सिंपली ले सकते हो। तो ये वाला हमारा अच्छा लग रहा है, तो ये वाला मैं लेके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप लोगों को ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा करके इसको थोड़ा सा यहाँ से पतला कर देते हैं, एडजस्ट कर लेना है आप लोगों को अपने फ़ोटो के हिसाब से। यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा इतना साइज़ रख देंगे इसका, अब हमारा साइज़ सही है। यहाँ पे आप लोग देखते हो बिल्कुल सिंपल ट्रिक मैंने बताया आप लोगों को, बस 2 मिनट में ये लोगो बन के तैयार हो जाएगा। और अब आप लोगों को क्या कर देना है, यहाँ से कर देना है ओके। ओके करने के बाद आप लोग देख सकते हो हमारा लोगो कितना बढ़िया बन चुका है, बस आप लोगों को कुछ नहीं, बस 1 मिनट में ये लोगो बन जाएगा। और यहाँ पे लोगो बनने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब आप लोगों को मैं इस लोगो को कैसे लगाना है अपनी फ़ोटोज़ में ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। और आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को चले जाना है बैक, और आप लोगों को अपनी एक फ़ोटो ले लेना है जिसमें आप लोगों को ये लोगो लगाना है। तो हमने जैसे कि ये वाली फ़ोटो ले ली है अपनी, तो अब हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे कि आप लोगों को लोगो कैसे लगाना है जो अभी आप लोगों ने बनाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों को एडिट ए फोटो पे फिर से चले जाना है, और यहाँ से जो आप लोगों ने अभी अपना लोगो बनाया है वहाँ से आप लोगों को ये लोगो ले लेना है, ऐड करके ऐड कर लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो हमारे चारों तरफ मतलब सफ़ेद वाइट पेपर आ रहा होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को इसको नीचे चले जाना है, इधर यहाँ पे आप लोग देखोगे ब्लेंड वाला ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों को ब्लेंड वाले ऑप्शन में सिंपली क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप लोगों को मल्टीप्ली में आप लोगों को थर्ड वाले पे चले जाना है। तो थर्ड वाले पे जाने के बाद अब जो है आप लोग देख सकते हो दोस्तों अब हमारा लोगो कितना बढ़िया बन चुका है। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अब अपने हिसाब से आप लोगों को एडजस्ट करके लगा देना है, कहीं भी ला सकते हैं। अब लोग देख सकते हो अब हमारा फोटोज़ जो है काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से लग रहा है। आप लोग देख रहे हो विजय महर जो है यही वाला लोगो अपना सेम यूज़ करते हैं। तो आप लोग भी यहाँ पे जैसे लगा के यहाँ से ओके कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हो हमारा लोगो काफ़ी बढ़िया लग रहा है बनके, हम लोगों का खाली 2 मिनट में आप लोगों का ये लोगो तैयार हो गया है। तो आप लोगों को सिंपली ऐसे ही बना लेना है।
तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लेना प्लीज़ सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी कर देना प्रेस, ताकि ऐसी कमाल कमाल की एडिटिंग से रिलेटेड टिप्स अगर मेरे चैनल पर आती है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।